मुझे, मेरे से दूर हटो, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो, मेरे कुछ नहीं किया, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं जानता था आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर क्या करें, इश्क पर किसका जोर चला है। मेरे बेटे को आपकी परनीत से प्यार जो हो गया है, ये बात उसने खुद मुझे बताई। प्यार से बर्बाद करूंगा डैड मैं उसको। उस लड़की की वजह से सबके सामने हमारी बेइज्जती हुई है ना, अब समाज के सामने उसी लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा और उसकी तजिया उड़ाऊंगा, शादी करूंगा मैं उससे। शादी? मुझे अपना बदला लेने के लिए उसकी पूरी जिंदगी चाहिए। हर रात वो उस रात को कोसेगी जब उसने मुझे मना किया था। मेरी शादी करवाओ डैड उससे। देखिए जी, हमारे पास इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जाइए, मनाइए वीर जी को, बोलिए इस रिश्ते के लिए हाँ करे वो। इसी में अपने परिवार की भलाई है और हमारे बेटे विक्रम की भी। सॉरी, आई एम सॉरी। आप लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया जी। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। नहीं नहीं, ये शायद मना करना चाहती थी, जल्दबाजी में हाँ कर दी। हमारी तरफ से ना है जी, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते। वीर जी, एक बार परिणीत से पूछ लेते ना। कोई जरूरत नहीं है, एक बार पूछ लेते हैं, उसकी राय जान लेते। मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। मनदीप, मनदीप रुक जा। मनदीप पुत्र, पुत्र ये सब छोड़, तू चल मेरे साथ। वीर जी आ गए, वीर जी। हाँ बेटा, तू तू चाहेगी ना तो वो भी आ जाएगा। देख पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुना। वो राकेश के बाबूजी है ना, वो विक्रम को छुड़ाने के लिए मान गए, जेल से बाहर निकाल देंगे उसे। लेकिन बस उन्होंने उन्होंने बदले में ये चाहा है कि तू उनके बेटे राकेश से शादी कर ले। क्या? वो लड़का अच्छा? वो देख पुत्र, अगर तूने ना कर दिया ना, पता नहीं विक्रम का क्या होगा। एमएलए के बेटे को जान से मारने का इल्जाम है उस पर, 10 नए केस ठोक दिए उस पर। विक्रम तो जेल से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और तू जानती है ना कि इसमें विक्रम की कोई गलती नहीं। अरे वो तो तुझे बचाने के खातिर गया था। पुत्र देख, उसने अपने भाई होने का फर्ज निभा दिया है, अब तेरी बारी है, तुझे अपनी बहन होने का फर्ज निभाना है। पुत्र तेरे हाँ करने से ना बेटा उसकी विक्रम की जिंदगी बच सकती है। अरे तुझे बचाने से पहले उसने एक बार भी सोचा कि अगर वो जेल चला जाएगा तो उसके माँ बाप का क्या होगा, उसकी खुद की बहन का क्या होगा, सोचा उसने? नहीं ना, अब तेरी बारी है, तू हाँ कह दे इस शादी के लिए, हाँ कह दे और विक्रम को बचा ले। परिणीत, आंसू पोछ। देख देख परिणीत, बाहर राकेश के बाबूजी आए हैं। तो बिल्कुल घबराना मत, वो तुझसे बोलने आए हैं कि मैंने बोल दिया, सब बता दिया इसको। बोल दिया ना? देख पुत्र, तू बिल्कुल भी घबराना मत, उनको साफ साफ ना कर देना, ठीक है? बिल्कुल घबराना मत। चला मेरा पुत्र, चला, अच्छा चला, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? ना कर देना उनको। जाने दीजिए ना, बच्चे से गलती हो गई। बेटा तुम ही परिणीत हो ना? जी हाँ, यही परिणीत है। आपकी शर्तें सुनकर काफी परेशान है ये, इसलिए। वीर जी माफ कीजिएगा, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है। रिश्ता मंजूर है या नहीं, इसका फैसला तो मेरी बेटी ही करेगी, लेकिन मैं जानता हूँ इसकी तरफ से ना ही होगी। अगर ये रिश्ता सीधी तरह से आया होता, मेरा मतलब है कि नॉर्मल हालात में आया होता, तो शायद हमें भी मंजूर होता। लेकिन जिन हालात में और जिन शर्तों के साथ आप ये रिश्ता लाए हैं, हमें ये मंजूर नहीं।
तेरे हाँ करने से ना बेटा उसकी विक्रम की जिंदगी बच सकती है। अरे तुझे बचाने से पहले उसने एक बार भी सोचा कि अगर वो जेल चला जाएगा तो उसके माँ बाप का क्या होगा, उसकी खुद की बहन का क्या होगा? तेरी इज्जत की खातिर उसने इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ली, तू हाँ कह दे इस शादी के लिए, हाँ कह दे और विक्रम को बचा ले। फिर हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, अभी तो पढ़ाई कर रही है, इसकी शादी मंजूर है। परिणीत मुझे ये रिश्ता मंजूर है। परिणीत सोच समझ के बोल, की कह रही है? परिणीत तेनु किसने कुछ कहा है? मुझे की बोल रही है? बाबूजी आप ही ने कहा था ना कि अगर ये रिश्ता बिना शर्त के आया होता तो शायद शायद आप हाँ कर देते, इसलिए मैं राकेश से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे देखा आप सब लोगों ने, अरे कितने जल्दी लड़का लड़की की रजामंदी हो गई, सब वाहेगुरु की मेहर है, हम दोनों परिवारों के बीच सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ कर दिया, मैं अभी मिठाई लेके आ रही हूं। नहीं 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 नहीं, हम रोके के बाद ही मुंह मीठा करेंगे। चेहरा जी सर, फोन लगाओ घर पे। वीर जी एक ही कितना इसने क्या किया तूने? हाँ उस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया तूने? तू जानती है ना वो लड़का कैसे, तू पागल हो गई है, पागल हो गई है। माँ इतना भी बुरा नहीं है, बड़े घर का है, पैसे वाला है, अमीर बुरा नहीं है, वो लड़का बुरा नहीं है, यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल, बोल मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात। कहा ना माँ इतना भी बुरा नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रही है तू अपनी माँ से? क्या तेरी माँ तुझे जानती नहीं है? वो लड़का बुरा नहीं है जिसने तेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। परिणीत तुझे क्या हो गया, तू पागल हो गई है, लाडला नहीं क्यों? मम्मी जी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, वीर जी जेल चले गए, उन्हें इतना सब कुछ आना पड़ा है, सब मेरी वजह से। मैं हर रक्षाबंधन उन्हें राखी बांधती हूँ, उन्होंने अपना फर्ज निभाया मेरी रक्षा की, तो अब मेरी बारी है ना उनकी रक्षा करने की। मम्मी जी अगर मैं राकेश के साथ शादी कर लूंगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, वीर जी जेल से छूट जाएंगे, उन्हें पुलिस की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सबकी जिंदगी सही हो जाएगी। मम्मी जी सब सही हो जाएगा। क्या बाबू जी तेरे ये बात जानते हैं? नहीं जानते ना? मैं दासी हूँ नानू, मैं दासी। मम्मी जी नहीं परिणीत, परिणीत मैं नानू नुकसान दे नहीं, नानू नहीं करूँ देने तेरे को। प्लीज बाबू जी से मत कहना, प्लीज मम्मी जी प्लीज। नहीं परिणीत थी तू अपनी जिंदगी नाल खेल रही है। मम्मी जी प्लीज 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 बाबू जी से बात बिल्कुल मत कहना। हाँ मेरी लाडो रानी ना कर। मम्मी जी बाबू जी ने इस रिश्ते के लिए मना करके अपनी तरफ से सही किया, पर वो एमएलए वो हमारी जिंदगी के साथ कुछ सही नहीं करेगा, और वीर जी वीरजी को तो कभी जेल से बाहर नहीं निकालेगा। मम्मी जी हमें कभी चैन से नहीं जीने देगा, इसलिए प्लीज प्लीज बाबूजी से मत कहना। ये मेरी लाटो रानी सबकी जिंदगी पहले जैसे हो जाएगी, लेकिन तेरी जिंदगी का क्या, उसका क्या होगा? मम्मी जी उसके बारे में अभी क्यों सोच रहे हो? अभी जो मुसीबत आई है पहले उससे तो निपटते है ना, इसलिए जो हो रहा है होने दो। नहीं मम्मी जी आप ही ने कहा था ना जब मुसीबतों की गिनती बढ़ जाती है तो बार बार मुसीबतों को गिनने की बजाय एक एक मुसीबत से निपटना चाहिए। नहीं राटो रानी नहीं। मम्मी जी इसलिए अब इस मुसीबत से निपटने के लिए मेरा हाँ कहना जरूरी है, इसलिए मेरा राकेश शादी करना बहुत जरूरी है। नहीं परिणीत सर कुल ये शादी लिए हाँ करन तो सो और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है। क्यों भाई ग्रुप क्यों कर रहे हैं मेरी बच्ची लेने से? अरे अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए परिणीत को रोके के लिए बुला रहे हैं और तू ऐसे क्यों खड़ी है? जल्दी से तैयार होके बाहर। अच्छा अच्छा लो जी आ गई हमारी परिणीत पुत्र। यह है परिणीत की माँ आपकी समधन, और यह है राकेश की माँ हमारी धर्म पत्नी। नमस्ते। रोके की रस्म शुरू करते हैं, आजा पुत्र चले आज। मुझे पहले से ही पता था कि रिश्ता होने ही वाला है, तभी मैंने श्रीमती जी को पहले से ही रोके के सब सामान के साथ तैयार रहने के लिए बोल दिया था। अरे औरतों की रस्म है ये, आदमियों का इसमें कोई काम नहीं। आप लोग जाके बैठिए आराम से। आइए आइए आइए। अब माचिस मिलेगी जी, अभी लाई आरती के लिए। हाँ।
सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। याद है ना क्या कहा था चाय के लिए? अच्छे समय पे आइए पुत्र। तू सब ठीक तो है? ये नीति है, परिणीत की बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छे समय पे आइए बेटा। तू आज परिणीत का रोका होने जा रहा है। शादी से पहले विक्रम को जेल से छुड़वाएंगे हम, आप चिंता ना करें। और आने के बाद देखना कैसे नाचेगा। अरे धूम मचा देगा, धूम बता रहे हम। तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करने जा रही? उस राकेश से शादी करेगी तू? एक बात मुझे सच सच बता दे, लोग ब्लैकमेल कर रहे ना तुझे? सच बोल कि बात कर वजह क्या ये तो नहीं थी। खबरदार अगर तूने कुछ किया तो। ये रिश्ता मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तेरी बकवास ना अपने पास रख, उस लीचर से शादी करने के लिए तू हाँ करेगी? मान लूंगी? दिमाग खराब है क्या? देख तुझे सुसाइड करने का शौक चढ़ा होगा, तो मैं तुझे करने नहीं दूंगी, समझी? लाइए लाइए, शुक्रिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पहुंचे और मम्मी जी कैसे मान गए यार। मम्मी जी से बात कहा ना, तो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। और मम्मी जी और बाबूजी को जज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिसीजन मेरा है। और तू अपने काम से काम रख, तुझे इस सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है फिर, तूने कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर ही लिया ना, तो मर जाके। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना परी कि मैं तेरी सुसाइडल शादी का हिस्सा बनूंगी, समझी? तेरी शादी और तेरी ये बर्बादी ना, तुझे ही मुबारक हो। नहीं नहीं प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। अरे यार दिख रहा है तेरे चेहरे पे, बहुत खुश है तू। क्यों कर रही है यार? चल हिम्मत दिखा और मना कर दे इन लोगों को। नहीं कर सकती। तो भाड़ में जा, जो कर रहे हैं वो कर। नीति, अरे बीजी आइए आइए। नीति नीति मेरी गाल सुन पुत्र। नीति आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? खुश हो जाइए, हाँ खुशी का मौका है। अरे अपनी परिणीत का रिश्ता तय होने जा रहा है, किसी का चौथा नहीं। हाँ अरे आपको तो डबल खुश हो जाना चाहिए, एक तो परिणीत का रिश्ता तय हो गया है और दूसरा अपना बेटा वापस घर आ रहा है ना जी। परिणीत की वजह से ही तो आ रहा है, जेल भी उसी की वजह से गया था। नीति पुत्र मेरी गलती सुन, नीति नीति परिणीत दी गल्लां दा बुरा मत मान, वो ये जो कर रही है ना वो सब कुछ आप करने दे रहे हो उसे मम्मी जी। मतलब बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप ही तो कान पकड़ते हैं, और आप यहाँ पर क्या कहूँ, गलत कर रहे हो मम्मी जी, क्यों कर रहे हो? वो जो कुछ भी कर रही है ना अपने भाई को बचाने के लिए कर रही है। क्या घटिया लोग ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोगों को? मम्मी जी आप हो भी रहे हो, कमाल करते हो मम्मी जी। विक्रम ने कुछ नहीं किया, हम सब जानते हैं ना, तो क्यों कर रहे हो? उसने आज नहीं तो कल तो आ ही जाना है जेल से बाहर। पर आप समझ रहे हो, एक बार परी की शादी हो गई ना उस लीचर से तो कुछ नहीं होना है, वो जानवर है जानवर, लीचर कहीं का। क्यों बांध रहे हो परी को उसके पल्ले? आप मत करो ना, मेरा दिल कर रहा है उस राकेश को तुम्हें। पर मुझे क्या है, आप सबने मन बना ही लिया तो करो, पर मैंने नहीं देखना ये रोका, और ना ही मैं शादी में आऊंगी, बता रही हूँ आपको। नीति नीति पुत्र गलत सुन, अपना प्रॉमिस। मैंने तो तेरे दूल्हे के लिए हानि का, फिर भी तूने रोका करवा दिया। ये लो जी हो गया रोका, परिणीत पुत्र अब हमारी हो गई, अब करवाइए मुंह मीठा। जी जरूर। अरे राकेश का फोन आया था, वो आज रात को परिणीत को डिनर पे ले जाना चाहता है। अरे वाह। हाँ।
ऐसे कैसे हो सकता है? परिणीत अकेले कैसे जा सकती है उसके साथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप बोलिए। अरे अकेले जाने देंगे तभी तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे, और वैसे भी रोका तो हो ही चुका है ना, है? तो उसमें बुरी बात क्या है? और फिर शादी से पहले एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए मिलना तो जरूरी है ना, इसमें क्या बुरा है? लेकिन परिणीत अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ मनदीप भी जाएगी। ठीक है समधी जी, हम समझ सकते हैं कि आप अपनी बच्चियों को अकेले बाहर नहीं भेजते, उसकी चाची के साथ जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, है? भाई जब सब काम शुरू हो चुका है अच्छा, तो फिर मुंह मीठा कराइए, उसमें देरी क्यों? अरे जी जरूर, लीजिए लीजिए। देखिए वैसे हम अपने सारे काम जो है ना अपने पंडित जी से पूछ के करते हैं, तो मैं उनसे पूछ के शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। नहीं ऐसे भी क्या जल्दी है, आज बच्चे आपस में मिल रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा तो हम चलते हैं, आइए। पुत्र ध्यान रखना अपना, ठीक है? नीति भी गुस्सा होके चली गई। अगर आज चाची जी की जगह वो मेरे साथ चलती राकेश से मिलने तो मुझ में हिम्मत रहती। लेफ्ट जाऊंगी तो घर आएगा और राइट जाऊंगी तो हॉस्पिटल। पर मैं हॉस्पिटल जाऊं ही क्यों? मुझे नहीं बढ़ना परी और राकेश के मामले में। उसने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया होगा, पर मैंने नहीं। उस लीचर के साथ परी की शादी की परमिशन मैं कभी नहीं दे सकती। बहुत नफरत करती हूँ उस इंसान से। कैसे कर रही है वो उससे शादी? ऐसा क्या करूँ कि वो राकेश खुद ही इस शादी से मना करते? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि राकेश का बच्चा आखिर शादी करना क्यों चाहता है परी से। एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल ही जाती हूँ, खूब सुनाती हूँ उसे, खूब बैंड बजाऊंगी उसकी, ताकि वो गुस्से में आके खुद ही उगल दे कि वो शादी कर क्यों रहा है। क्या पता इसी बहाने मेरी पागल परी की लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाए। हाँ मम्मी जी, हाँ सारी दवाई ले ली, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके बाय बाय। What the hell? मम्मी मार डालेंगे अगर एक भी स्क्रैच आ गई तो। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ। ये तो गाड़ी ठुक गई है। अरे हाँ देखो तो, लड़के ने तो नुकसान कर दिया। क्या इस लड़की का? ओ भाई साहब, अब औरती की राइडिंग पे ना ब्लेम मत करने लग जाना, गलती तुम्हारी है। अरे गलती लड़के की नहीं है, वो बेचारा तो रिवर्स कर रहा था। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था, ये पीछे से आ रही थी, इनकी गलती इन्होंने देखा नहीं। हम लोग आपस में सॉर्ट कर लेंगे, आप लोग प्लीज जाइए। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और तुम मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा, जो भी है तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, पता भी है कितना एक्सपीरियंस है मुझे राइडिंग का? हाँ देखा मैंने तुम्हारा एक्सपीरियंस। क्या देखा? अपनी गलती मुझ पे थोप रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी बैक कर रहा था मैं, तुमने गाड़ी में ठोकी है। अच्छा तो पूरा दिन बैक ही करते रहोगे क्या? आंटी समझाओ, ऐसे ऐसे होता है क्या? सही कह रही है, गलती तुम्हारी है। क्या सही कह रही है? देखा ये ना आदमी उल्टा है, मतलब मैंने सोचा था आंटी की अच्छा लड़का है, इसको छोड़ देती हूँ जाने देती हूँ, लेकिन नहीं, अब तो तुमने मुझे ब्लेम किया ना, अब तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे नुकसान के। दो चलो कंपनसेशन दो मेरा। कंपनसेशन? अब नुकसान क्या है ना, तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। चलो कौन सी भरपाई? गाड़ी मेरी ठुकी है मैडम। कौन सी भरपाई? क्या आंटी बोलो, इसको दो मेरे पैसे वापस। दो पूरी भरपाई करो। दे दो पैसे, एक तो तुसी बिचारी का नुकसान करता, और तुम्हारे जैसे लड़के को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि टक्कर मार दी? देखो हाय आंटी, थैंक यू मुझे खूबसूरत कहने के लिए, वैसे आप भी बहुत सुंदर हो। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी पैसे निकालो नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। हाँ पुलिस को फोन कर देना। चलो चलो जल्दी निकालो, वैसे बोलो इसे। एक मिनट, ये लो तुम्हारे पैसे और अपनी स्कूटी ठीक करा ले। बाय द वे मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं था। हाय रब्बा, इतना अच्छा क्यों बना दिया है मेरे को? नाम क्या? राकेश। What? हाँ राकेश ही है पेशेंट का नाम। अब तो तुमने मुझे ब्लेम किया ना, अब तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे नुकसान के। दो। क्यूट तो बहुत है। ओ हेलो। लेकिन लड़ाकू भी कम नहीं। हेलो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कि फिर से यहाँ आ गई? गाड़ी रोको गाड़ी। लगता है कोई नया तमाशा क्रिएट करने आ गई है और पैसे मांग रही है।
क्यूट है इसका मतलब ये नहीं मैं उसको पैसे पैसे देता रहूंगा। नो वे। मेरे पास साल तो टाइम नहीं है। मेरी बात तो सुन लो। ओ वे राजी। गाड़ी रोको। अरे क्या कर रहे हो? देखो अगर तुम और पैसे मांगने आए तो एक बात सुन लो, मैं तुम्हें एक भी पैसा और नहीं देने वाला हूँ। ओके पर मैं तो लेकर रहूंगी, पर पैसे नहीं, माफी। सॉरी सॉरी बोलना था इसलिए तुम्हें रोक रही थी यार। किस बात की सॉरी? तुम्हारी कार ठोक दी इस बात के लिए। आई नो गलती मेरी थी, फिर भी पैसे तुमसे ले लिए मैंने। वैसे मैं इस टाइप की लड़की तो हूँ नहीं, पर पता नहीं वहाँ पर क्या हो गया था मुझे, बहुत ही घबरा गई थी। इतनी बड़ी गाड़ी ठोक दी, पता नहीं कितना गुस्सा करोगे तुम। इसलिए ना मैंने खुद ही चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सुंदर लड़की का साथ तो सब देंगे ना, चाहे फिर उसकी गलती हो या ना हो। तुमने मुझे पैसे दिए थे पर मुझे चाहिए नहीं, तो एक काम करो, ये लो तुम्हारे पैसे एंड सॉरी वंस अगेन। कमाल की लड़की हो तुम भी, लोगों के सामने शेर बनती हो, मेरी गाड़ी ठोकती हो, मुझसे पैसे लेते हो, फिर वापस आके सॉरी बोलती हो और पैसे देती हो। यू आर जस्ट जीनियस, आई नो। मैं चलूं? एक मिनट, तुमने मेरी बेइज्जती सबके सामने की और सॉरी अकेले में बोल रही हो, नॉट फेयर। देखो अब भीड़ इकट्ठा करने का तो टाइम है नहीं मेरे पास, तो एक काम करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती का और इस कार की रिपेयरिंग का खर्चा तुम इसमें जोड़ लेना, मैं बाद में दे दूंगी। अभी मुझे निकलना होगा अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी लाइफ के सबसे गलत डिसीजन से बचाने के लिए। ओके बाय। यू नीड माय हेल्प, मैं चलूं क्या? तुम्हें अब तक पता ही नहीं चला कि मैं अकेले काफी हूँ, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा तुम्हारा। ओ मिस्टर भोंदू, लगता है तुम्हारी याददाश्त ना बहुत ही कमजोर है। मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड बोला था, और बेस्ट फ्रेंड को जिससे बचाना है ना वो भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं, होने वाला हस्बैंड है। पर उस होने वाले हस्बैंड को मैं हस्बैंड बनने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। बड़ी पागल लड़की है, लेकिन कुछ तो अलग है इसमें।